ये फिरोजाबाद के कमाल के दीवाने हैं। आदमी तो चढ़ सकता है साइकिल, कैसे चढ़ गई ये हमें नहीं पता लग रहा। पेड़ पे भी साइकिल आ गई तो सोचो कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं। पहला दूसरे में 100 पार, तीसरे में आप सफाया करोगे और चौथे में सरकार समाजवादियों की बन जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि चुनाव में गर्मी निकाल देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ठंडे पड़ चुके हैं। और जिस समय वोट पड़ेगा फिरोजाबाद में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भाप निकल जाएगी, भाप। ये बीजेपी वाले आ गए तो 5 साल और खराब हो जाएंगे। बताओ यूपी को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये नौजवान दिखाई दे रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं मिली, किसी को रोजगार नहीं मिला। बताओ रोजगार नौकरी किसी को मिल रही है? और भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि चुनाव में गर्मी निकाल देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ठंडे पड़ चुके हैं। और जिस समय वोट पड़ेगा फिरोजाबाद में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भाप निकल जाएगी, भाप। ये जो गर्मी निकालने वाले हैं, हम उन्हें कह करके जा रहे हैं समाजवादी सरकार आएगी तो इन नौजवानों के लिए नौकरी, फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती निकालने का काम, उनके भविष्य को बेहतर बनाने का काम करेगी। इस सरकार ने 11 लाख पद नहीं भरे हैं, सरकार के विभागों में 11 लाख पद खाली हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 के 11 लाख पदों को भर करके नौजवानों को नौकरी रोजगार देने काम करेंगे। ये हवाई जहाज में चलाने वाले लोग जो कह रहे थे कि गरीबों को हवाई जहाज में चलाएंगे, हवाई जहाज में चलाने वाले लोग चप्पल पहन करके चलने वालों को हवाई जहाज में चला रहे थे, उन्होंने सब हवाई जहाज बेच दिए। जहां हवाई जहाज खड़े होते हैं वो एयरपोर्ट बेच दिया, पानी का जहाज बेच दिया, पानी के जहाज जहां खड़े होते वो बंदरगाह बेच दिया। ट्रेनें बिकने जा रही हैं, रेलगाड़ी बिकने जा रही हैं, और रेलगाड़ी के साथ साथ रेलवे की जमीनें बिक रही हैं। बताओ रेलवे की जमीनें बिक रही कि नहीं बिक रही? ये कहावत तो सुनी होगी, ना बजे ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इसलिए धीमे धीमे सब बेच दे रहे हैं, जिससे आरक्षण से हमें नौकरी और रोजगार न मिल पाए। ये लोग जो हम पर आप पर आरोप लगाते हैं, वो जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। हम अपने पिछड़े दलित भाइयों को कह के जा रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसको बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, और पिछड़े और दलितों का, अल्पसंख्यकों का जो अपमान किया है, सम्मान बचाने का भी चुनाव है। और समाजवादी लोग सरकार बनने पर जाति जनगणना करा करके हर जाति के लोगों को स्थान और उन्हें सम्मान देने का काम करेंगे। बिजली 300 यूनिट फ्री देने जा रही है समाजवादी सरकार, सिंचाई फ्री करने जा रही है, किसानों को लोन के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, इंटरेस्ट फ्री किसानों को लोन देने का इंतजाम सरकार से होगा। आलू के लिए अगर विशेष पैकेज देकर के किसानों की मदद करनी पड़ेगी तो मदद करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। ये तो जानते ही होंगे फिरोजाबाद के लोग, सरकार बनने पर विकास होगा, काम होगा, खुशहाली लाएंगे। मैं जब आ रहा था तो देख रहा था दोनों तरफ बड़ी बड़ी सड़कें दिखाई दे रही हैं,
ये सड़कें कौन बनाता? समाजवादियों ने बना दी। हवाई जहाज उतर रहे उन सड़कों पर। इसलिए आने वाले समय में हमें मौका और दोगे आप लोग तो और विकास कराएंगे, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाएंगे। ये लोग जो कह रहे हैं कि गुंडा, अपराधी, माफिया, जरा ढंग से देखो कौन लोग अपराधी दिखते हैं, कौन लोग माफिया दिखते हैं। माफिया लोग वो हैं जो माफिया को क्रिकेट खेलने का मौका देते हैं। समाजवादी लोग कभी इस तरह का काम नहीं करते हैं। और मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं, फिर कहता हूं कि जिन्हें कानून तोड़ना है, कानून से नहीं चलना है, वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। समाजवादियों ने 100 नंबर चलाई और 100 नंबर चला करके गरीब किसान की खेत में ही, घर में ही, गांव में ही मदद हो जाए, इसलिए चलाई थी थाना ना जाना पड़े। लेकिन इन्होंने हमारी 100 नंबर 112 करके पुलिस को भी कबाड़ा कर दिया। इसलिए आज, क्योंकि बहुत कार्यक्रम है हमारे, आज फिरोजाबाद से लेकर हम ऐसे ही बैठे रह गए। ये बीजेपी वाले आ गए तो 5 साल और खराब हो जाएंगे। बताओ, यूपी को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और जो पैसा लेके भाग रहे हैं, एक के बाद एक बैंकों का पैसा लेके भाग रहे हैं, सोचो कहां भाग गए वो, कहां के लोग हैं। इसलिए बचाइए उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश को बचाइए। और जब हमारे विधायक जी ने टाटा कराए तो बताओ टाटा करोगे बीजेपी को कि नहीं? हो गई बीजेपी की टाटा कि नहीं? इस बार हमारे दोनों प्रत्याशियों को जिताना, और जहां जहां मदद कर सकते हो सब लोग जिताने का काम करना। हम अपने बुजुर्गों को बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता रहे, नौजवानों का साथ मिलता रहे, समाजवादी सिद्धांतों को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। जो नेताजी ने लड़ाई लड़कर के यहाँ लेकर के आए हैं, हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है और उस लड़ाई को आगे ले जाने का काम हम लोग करेंगे। हम अपने सभी साथियों का धन्यवाद देते हैं जो पेड़ों पे नौजवान बैठे हैं। कमजोर डाल थी, हम अपने नौजवानों को धन्यवाद देते हैं। अपना बचाव रखना, और ये तो कमाल के दीवाने हैं, ये फिरोजाबाद के कमाल के दीवाने हैं। आदमी तो चढ़ सकता है साइकिल, कैसे चढ़ गई ये हमें नहीं पता लग रहा है। पेड़ पे भी साइकिल आ गई तो सोचो कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं। पहला दूसरे में 100 पार, तीसरे में आप सफाया करोगे और चौथे में सरकार समाजवादियों की बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर